सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आदिश खन्ना है जी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ जानना चाहूँगा, आपको कितनी सुविधा मिल रही है? मुझे उम्मीद नहीं थी एयरपोर्ट इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला तो मैंने एयरपोर्ट आया, पर यहाँ पे देख के तो मैं एकदम दंग रह गया। एयरपोर्ट किसी भी मायने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा है। अच्छा जी, और जिस हिसाब से ये बन रहा है, मुझे लगता है बनने के बाद ये एयरपोर्ट देखने के लिए लोग आया करेंगे। जो लोग बिल्कुल अननोन है उनके लिए कैसा होगा, क्या सुविधा होगी, कुछ आप जानकारी दीजिए। देखिए, एयरपोर्ट के अंदर एक तो सबसे सारी सुविधाएं हैं, सारी स्कैनिंग की मशीनिंग बहुत अच्छी लग गई है, बाहर से भी देखने में बहुत खूबसूरत है, हरियाली, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। हाँ, दरवाजे हैं, ये सब तो अधिकतर जगह होते हैं, लेकिन जितनी हरियाली यहाँ पे दिया गया, हरियाली वगैरह जितनी यहाँ पे डेवलप हो रही है, जब ये पूरी तरह अच्छा बन जाएगा, पूरी पार्क वगैरह डेवलप हो जाएगी, गार्डनिंग, तो मुझे लगता है कि इलाहाबाद आसपास के लोग जो है एयरपोर्ट को देखने आया करेंगे एज ए टूरिस्ट बन के। इतना खूबसूरत एयरपोर्ट बन रहा है, मेरे ख्याल से वाराणसी और गोरखपुर जो यहाँ के लोकल एयरपोर्ट है डोमेस्टिक, उससे भी खूबसूरत एयरपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, आप भी सर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात करें, अब पहले, आज से अगर हम पहले की बात करें, जब इलाहाबाद की बात सुनते थे इसको ऐसे गांव लोग कहते थे। हाँ जी, हाँ जी। सिविल लाइन छोड़ कर के कभी कभी कोई बमरौली एयरपोर्ट पे आया तो आया जी, और जी, वो भी कुछ खास लोगों के लिए होता था, आम लोगों के लिए होता जी, ही जी, नहीं जी, था। तो ये अब जो बदलाव आ रहा है, विरोधी सरकार के लिए कुछ कहेंगे, जो पिछले जो सरकार रही है उनके लिए कुछ कहेंगे, जिन्होंने काम नहीं किया? कभी कुछ काम नहीं हुआ है। आज की डेट में प्रयागराज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मैप पे आ चुका है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि हर एक बड़े कंट्री में हर एक आदमी जो भी है, जो शिक्षित है या न्यूज़ वगैरह देखता है, वो प्रयागराज के नाम को अब जान गया होगा। और जिस हिसाब से कुंभ का प्रचार करा गया है, गल्फ कंट्री से लेकर, जहाँ पे कि इतनी हिंदू आबादी भी नहीं है, गल्फ कंट्री से लेकर मुझे लगता है पूरे विश्व में कुंभ का प्रचार बहुत अच्छी तरह हुआ है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देश का नाम रोशन होगा और लोग बाग जो है इंडिया को दूसरे नज़रिए से देखा करेंगे, विकसित देश के रूप में देखेंगे। अगर विकास की बात करें तो लोग कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर ही मोदी जी यहाँ पर आए थे और विकास वो कर रहे हैं, तब आखिर क्या लगता है विरोधी जो खड़े एक मन से, अब मोदी जी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, पूरा वोट जाएगा साहब, वोट का प्रतिशत पिछली बार से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा, जब जनता जागरूक हो जाती है, जनता का माइंडसेट चेंज हो जाता है, जब जब विकास को मुद्दा बना के विकास से वोट पर, अब देखो पिछली बार भ्रष्टाचार का मुद्दा था जी, जी भ्रष्टाचार का कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि भ्रष्टाचार का कोई केस ही नहीं आया, तो लोग अब भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे, वो बड़ा मुद्दा बचा ही नहीं भारत में। अब भारत में बड़ा मुद्दा आज का बन गया विकास, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे 4.5 साल में कोई भी एक भी केस आया ही नहीं। तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी ने विकास किया और अपने काम जबरदस्त विकास कराया था? मुझे लगता है कि ये आगे भी रहना चाहिए, अब 5-7-10 साल नहीं बल्कि 20-25 साल तक ये सरकार रहनी चाहिए। मोदी जी की बात छोड़ दो, मोदी जी के नीचे के भी जितने भी मिनिस्टर हैं, सबके सब बहुत स्वच्छ तरीके हैं, सबने भी एक साथ गंगा जी में डुबकी भी लगाई, सब में लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे वो कैबिनेट के हो चाहे राज्य स्तर के मंत्री हो, सब में लीडरशिप क्वालिटी है। आप ये भी कह सकते हैं मोदी जी ने सबको सिखा दिया? बिल्कुल सिखा दिया जी, बिल्कुल सिखा दिया, जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता की समस्या जानते हैं, इसीलिए ठोस कदम उठा लेते हैं। धन्यवाद।